हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल एंड टिप्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे। तो ये सारे पेन लेके आए हैं मिश्रा जी लगाने के लिए, और ये वाला आप देख सकते हो अभी तक लगाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी कितना अच्छा है। और ये अमरूद है, छोटू सा है बिल्कुल, और इसमें एक अमरूद भी लगा है। तो ये इधर खाद रखी हुई है, और इतने सारे पेन लेके आए हैं मिश्रा जी, क्योंकि मैं और मिश्रा जी दोनों बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का शौक रखते हैं, तो हम दोनों पेड़ लगाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और बहुत ज़्यादा चाहते रहते हैं कि पेड़ लगाएं। तो ये गए थे लखनऊ, वहाँ से रास्ते में आ रहे थे और बाइक से थे, इसलिए ज़्यादा नहीं ला पाए हैं, फिर भी ये चार पांच लेके आ गए हैं। और क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे दरवाजे बहुत सारी जगह है, तो इसलिए यहाँ पे ये चांदनी का पेड़ लगा दिया इन्होंने। हालांकि जो बेच रहा था ना, उसने झूठ बोला, उसने बोला ये ग्रीन कलर की होगी, लेकिन ये वाइट कलर की है। और वाइट कलर के बहुत सारे हमारे यहाँ पहले से ही थे, क्योंकि अब इसमें पेड़ में जो फूल निकले हैं तब हम लोगों को पता चला है, तो इसमें ये वाला कवर करके रखा गया था जिससे कि जड़ें जो बेकार ना हों। तो ये वाला हमको निकाल देना है, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है और प्लास्टिक को अंदर नहीं रखते हैं। तो थोड़ी सी खाद के साथ मिट्टी मिक्स करके लगा दिया गया है, और सारे बहुत अच्छी जगह पे लगाए गए हैं और चल भी गए हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और क्योंकि है नवरात्रि, तो नवरात्रि में हमारे यहाँ बनता है सात्विक खाना बिना लहसुन और प्याज का। तो सबसे पहले मैंने सरसों के तेल में डाल दिया है जीरा और हींग, उसके बाद बस मिर्ची डाल के थोड़ी देर के लिए पका दूंगी। और जब हमारी मिर्ची रेड कलर की हो जाएंगी तो उसमें ये वाला मसाला डालना है, जिसमें कि मैंने लिया है गरम मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला और धनिया, हल्दी, बस इतनी चीज़ों को मिक्स करके बस डाल दिया है। और इसमें मिक्स वेज की मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, तो मिक्स वेज तो मैंने यहाँ पे मिक्स वेज में इतनी सारी सब्जियाँ ले ली हैं, जो कि हैं शिमला मिर्च, गोभी, आलू, और इसमें थोड़े से मैंने डाल दिए थे मटर, जो कि हरे वाले आते हैं मार्केट में, इजीली मिल जाते हैं, तो बस वही वाला डाल दिया था। और कुछ ऐसे डाल दूंगी मैं टमाटर, तो टमाटर मैं खड़ा डाल रही हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छे से गल जाता है, तो आप ये ना सोचिए कि ये नहीं गलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ कितने बढ़िया तरीके से गल गया है, और मैंने फोड़ दिया था जब ये गल गया था, तो फिर अच्छे से। और बस जय माता दी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे। तो आज का वीडियो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, एकदम सुबह सुबह है, अभी मैंने लाइट भी जला के रखा हुआ है, क्योंकि अगर लाइट नहीं जलाऊंगी तो अच्छे से दिखेगा नहीं। और इधर आपको मैं दिखा देती हूँ, तो एक सेकंड मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरा चावल चढ़ा हुआ है, दाल बन गया है, और इधर ये आटा गूंथ के मैंने रख दिया है, ये दाल छौंक गई है, और साथ ही इधर सब्जी बने रखी हुई है। तो इतना काम मेरा निपट गया, बस रोटी सेकना है, मिश्रा जी का वेट है आ जाए। और इधर ये आज मैंने भिगो के रखा है, तो ये सब कुछ अभी इसको पीसना है, और सब अस्त व्यस्त है अभी, सब बाद में ठीक करूँगी। सीटी भी आने वाली है, खीरा मैंने निकाल लिया है मिश्रा जी के लिए काटने के लिए, क्योंकि क्या होता है बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसको निकाल के रख दिया है। और मेरे सीटी आ चुकी है कुकर की, मेरी नहीं। तो ये रायता है, रायता भी मैंने निकाल लिया, और दूध मैंने करवा के रख दिया है, दोनों डिब्बे टंगे हुए हैं। और फिर अब ये फटाफट से खाना वाना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं कितने सुबह उठी होंगी, क्योंकि झाड़ू पोछा खाना सब कुछ हो गया है, और टाइम है अभी 6:30। तो चलो फिर मिश्रा जी को खाना जल्दी से दे देती हूँ, वरना इनको लेट हो जाएगा, तो फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। इधर मिश्रा जी ज्ञानू को काम दे रहे हैं, क्योंकि जब ये आएंगे तो ये वाला काम भी मुझे पूरा करवाना पड़ेगा। और उनको भी मैं दिखा देती हूँ कि वो महाराज जी कहाँ हैं। तो ये देखो ज्ञानू क्या कर रहे हो। हाय बोलो, पहले जय माता दी बोलो। जय माता दी। इधर देख के तो बोलो जय माता दी। अच्छा, पापा ने काम दिया है तुमको? हाँ पता है। कहाँ पता है, देखा है?
क्या काम दिया है बताओ? रोज देते हैं। क्या रोज देते हैं? अरे मेरी माँ थोड़ा खेल लेंगे। अच्छा मेरे बेटे खेल लो। सारा काम होने के बाद फिर मिश्रा जी आ गए थे, और मिश्रा जी जब आए तो फिर मैंने सोचा कि बना देती हूँ रोटियाँ, क्योंकि गरम गरम ही बनाती हूँ और जो खाने का लुफ्त होता है ना वो सही सही बस मिश्रा जी ही ले पाते हैं, बाकी हम लोग दोबारा से गरम करके खाते हैं। और मुझे इतनी जल्दी खाना खाने की आदत नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे आके यहाँ का रूटीन चेंज था और मेरे मायके का रूटीन चेंज हो गया, तो धीरे धीरे कहते हैं ना जैसा देश वैसा वेश, तो बस यहीं के जैसी ढल गई हूँ और अब मैं भी जल्दी खाना खाने लगी हूँ। तो ये रही हमारी पूरी थाली, और इसमें सबसे पहले मैंने काट के रख दिया था खीरा और मूली, बस और कुछ नहीं इसमें डाला क्योंकि लहसुन प्याज हम नहीं खाते हैं नवरात्रि पे। और फिर ये यहाँ पे रायता रख दिया, सब्जी रख दी और दाल हमारा रख दिया है, दाल हम लोग सिंपल ही छोंकते हैं आप लोग जानते ही हो, बस रोटियाँ रख दी। और अब लगा दूंगी भोग, क्योंकि हमारे यहाँ बिना भोग लगाए हम लोग खाना नहीं खाते हैं, सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। तो ये रहा कंप्लीट थाली, थोड़ा सा आप भी खा लीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा है आपको। तो अभी मैं हेयर वॉश करके आई हूँ, क्योंकि आज मैंने सुबह नहीं किया था, ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैंने नहा भी लिया था करीब वही 4:30-5 के आसपास, तो फिर मैंने उस टाइम पे हेयर वॉश नहीं करा। और अभी इनको नहलाना है, बाकी सारे काम हो गए, बर्तन मैंने अभी यहीं पे रख दिए हैं, अभी थोड़ा सा सूख जाए, पानी वानी गर जाए तो फिर मैं अंदर ले जाके उनको रख दूंगी। और ये आज हेलो गाइस में बड़ा पड़े हुए हैं, तो अभी बस कपड़े फैलाना है और इनको नहला के बस तैयार कर देना है। हाँ तो चींटी है ना, कोई शेर नहीं है, तुमको खा जाएगी। तो चलिए फिर इनको नहला देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और बातें करती हूँ इनको तैयार करने के बाद। तो अभी ये सारे कपड़े ले आई और यहाँ पे मैंने सोचा डाल देती हूँ आंगन में ही, क्योंकि छत पे मम्मी के कपड़े रहते हैं और मम्मी बहुत ज़्यादा साफ सफाई करती हैं, तो वहाँ पे डर रहता है कहीं छू जाए तो फिर उनको दोबारा से धुलना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मैंने छत बाहर ही आंगन में ही डाल दिया। अभी तक क्या होता था, मेरी ननद होती थी तो उसके बेटे के बहुत सारे कपड़े होते थे, इसलिए यहाँ पे जगह नहीं बचती थी, लेकिन अब वो चली गई है तो अब ये पूरा तार खाली रहता है और मम्मी इसको यूज़ नहीं करती, तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ। और इनको भी नहला धुला दिया है, तेल लगा के अब इनको तैयार कर देना है, क्योंकि क्या होता है अगर इनको तैयार ना करो तो फिर ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो इनको तैयार करना पड़ता है और मेरे धीरे धीरे मेरे बाल भी सूख जाएंगे इनको तैयार करते करते। सकते हो शाइन कितनी बढ़िया है, और जिस दिन हेयर मास्क लगाओ ना बाल इतने अच्छे लगते हैं कि क्या ही बताएं। और एक सेकंड आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देखो मम्मी ने ये प्रसाद दिया था मुझे, जिसमें कि जो तले वाले आलू होते हैं व्रत वाले वो हैं और मूंगफली के दाने हैं, साथ ही इसमें थोड़ा सा मैंने पेड़ा भी रख दिया था, मम्मी ने दिया था वो भी, आधा सेब है। तो मम्मी ने दिया था कि खा लो, लेकिन क्या हुआ कि जितनी टाइम मम्मी ने दिया था उसी टाइम पे मैं खाना खाई थी,
तो मुझे बिल्कुल खाने का मन ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने रख दिया था। मैंने सोचा चलो बाद में खा लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा भूख लग रही है बहुत सारा काम निपटाने के बाद, तो मैंने सोचा चलो अभी खा लेती हूँ। और आज का ब्लॉग भी एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। वीडियो में अगर आप नए आए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर शेयर ज़रूर कर देना। फिर से मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।